गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल वाईके क्रिएशंस। आ गया हूं मैं इस हफ्ते एक नई पेंटिंग के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तो गाइस ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूं 22 जनवरी को, आपको इसे देखने को मिलेगी संडे को। तो गाइस 22 जनवरी को जैसा कि आप सभी को पता है प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव मनाया जा रहा है और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज अयोध्या में राम जी की मूर्ति को स्थापित करेंगे राम मंदिर में। उसी के उपलक्ष में पूरे देश भर में दिवाली का महोत्सव मनाया जा रहा है और हम भी दिवाली मना रहे हैं। तो गाइस मैंने डिसाइड किया कि मैं बनाऊंगा राम जी और सीता जी की एक सुंदर सी रंगोली राम मंदिर के साथ अपने घर के बाहर। इस रंगोली को गाइस आप बना सकते हैं रामनवमी के त्यौहार पर या दिवाली के त्यौहार पर। चलिए गाइस चलते हैं और रंगोली बनाते हैं। रंगोली बनाने से पहले गाइस एक बार राम जी का नाम जरूर ले लेते हैं, बोलिए जय श्री राम। चलिए गाइस चलते हैं और रंगोली बनाते हैं। कम ऑन गाइस लेट्स मेक रंगोली, जय श्री राम। तो गाइस सबसे पहले हम बनाएंगे पूरी रंगोली का, जो हम बनाने वाले हैं उसका स्केच, वो मैंने बना लिया है पेंसिल से। मेरे पास चौक नहीं थी तो मैंने पेंसिल से बनाया। आपके पास चौक हो तो आप चौक से बना लीजिएगा, ताकि उससे आइडिया रहेगा आपको कौन सा कलर कहाँ करना है। मैंने पूरी ड्राइंग पेंसिल से बनाई है। फिर फर्स्ट सर्कल के आउटर सर्कल में मैंने ग्रीन कलर से डॉट बनाई है। ये गाइस अगर आपको डॉट हाथ से बनानी नहीं आती हो तो आप कोई भी ढक्कन ले लीजिएगा, टूथपेस्ट का जो छोटा वाला ढक्कन होता है या फिर फेविकॉल का ढक्कन हो, उसको आप कलर में लेके उसके अंदर वो ड्रॉप कीजिएगा तो आपकी परफेक्ट डॉट बन जाएगी। मैंने भी स्टार्टिंग ऐसे ही की थी और आज भी मैं डॉट ऐसे ही बनाता हूँ, एक ढक्कन को लेके उसमें कलर भर के फिर डालता हूँ ताकि एक प्रॉपर डॉट आ जाए। तो गाइस पहले हमने ग्रीन कलर से डॉट बनाई और फिर आउटर सर्कल में हमने छोटे छोटे सर्कल्स बना दिए हैं। पहले हमने सर्कल बनाया पिंक कलर का और उसके एक सर्कल छोड़ के रेड कलर, और फिर उसके बाद हम बनाएंगे एक सर्कल ब्लू कलर से। पूरी पिंक कलर से हमने पहले आउटर सर्कल में डॉट्स बनाई, रेड कलर से डॉट बनाई, ब्लू कलर से डॉट बनाई और उसको फिर मैंने पेंसिल से उसको अंदर की तरफ फेड कर दिया, लाइन बना दी ताकि एक फ्लावरी इफेक्ट आ सके। और फिर उसके अंदर हम कलर को पुट करेंगे, तो पिंक क्योंकि लाइट कलर है तो हम उसके अंदर डालेंगे ब्लू कलर, डार्क कलर एक, और फिर उसके बाद लाइन फिर से खींच देंगे ताकि एक फ्लावरी इफेक्ट रहे। और ब्लू डार्क कलर है तो उसके अंदर हम डालेंगे पिंक कलर, और रेड के अंदर हम डालेंगे, मैं सोच रहा हूँ कि येलो कलर डाल देते हैं, तो रेड के अंदर हम डालेंगे येलो कलर। आप चाहें तो कोई और कलर भी आप डाल सकते हैं। और एक बार फिर से लाइन खींच देगा वापस ताकि एक फ्लावरी इफेक्ट रहे। अब उसके आउटर में हम बनाएंगे वाइट कलर से सेमी सर्कल्स। हम बनाने वाले हैं एक फ्लावर, तो पहले हम वाइट कलर से हाफ सेमी सर्कल बना रहे हैं एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक। उसके बाद उसके अंदर हम वाइट कलर पुट करेंगे। सब में जो भी हमने पूरे सेमी सर्कल्स बनाए हैं उसके अंदर हम वाइट कलर पुट करेंगे, और फिर जैसे कि मैंने फ्लावर्स में लाइन खींची थी, इसमें भी हम वाइट कलर की डॉट्स से अंदर की तरफ लाइन खींच देंगे ताकि एक फ्लावरी इफेक्ट आ सके। और जो बीच के अंदर गैप रह गया था उसमें भी मैंने व्हाइट कलर फिल कर दिया। अब अंदर जो हमने सर्कल बनाया है पहला सर्कल ग्रीन कलर की डॉट से, उसके अंदर हम फर्स्ट लेयर में ऑरेंज कलर की लेयर डालेंगे, ऑरेंज कलर करेंगे। ऑरेंज कलर करने के बाद बाकी का जितना भी एरिया रह जाएगा उसमें हम करेंगे येलो कलर, ब्राइट येलो कलर। ये देखिए आपको अब हल्की हल्की ड्राइंग दिख रही होगी राम जी और सीता जी की, ये मैंने बना के रखी हुई है। इससे मेरे को देखो आइडिया है कि कहाँ कहाँ मेरे को येलो कलर करना है। अब मैं हैंड से ब्लैक कलर कर रहा हूँ उनके बालों में, उनके बालों में और उनकी आईज में हम ब्लैक कलर करेंगे, और नोज में, और पूरा आउटलाइन करेंगे हम ब्लैक कलर से।
अब मैं ब्राउन कलर से बना रहा हूँ उनका धनुष। अगर गाइस आपके पास ब्राउन कलर ना हो तो आप ऑरेंज प्लस येलो कलर प्लस ब्लैक कलर कर दीजिएगा, आपका ब्राउन कलर बन जाएगा। आपके पास ऑरेंज भी नहीं हो तो रेड प्लस येलो कर दीजिएगा, आपका ऑरेंज कलर बन जाएगा। और उसमें थोड़ा वाइट कलर कर दीजिएगा जितना आपको लाइटर टोन चाहिए। ये मैं पूरे उनके वस्त्र ऑरेंज कलर से कर रहा हूँ, भगवा रंग भर रहा हूँ ऑरेंज कलर में। आप लोगों ने गाइस अपने घर पे राम जी का फ्लैग लगाया है कि नहीं, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमने तो अपने घर को बहुत सुंदर डेकोरेट किया है राम जी के आगमन पर। पूरे भगवा रंग के हमने उनके वस्त्र बना दिए और सीता जी के भी वस्त्र हम भगवा रंग से ऑरेंज कलर से ही बनाएंगे, केसरी रंग से पूरा ऑरेंज कलर के उनके वस्त्र बनाएंगे। उसमें हल्का सा येलो कलर से थोड़ी सी लाइट से थोड़ा सा इफेक्ट देंगे, थोड़ा सा बॉर्डर्स बनाएंगे और येलो कलर से, और राम जी के वस्त्र में थोड़ा सा रेड कलर से बॉर्डर बनाएंगे। और गाइज मैंने अब स्किन कलर कर दिया, उस समय वीडियो बंद हो गई थी रिकॉर्ड होना तो वो वीडियो रिकॉर्ड हो नहीं पाई। स्किन कलर आप कैसे बनाइएगा, ऑरेंज प्लस वाइट कलर मिक्स कीजिएगा, आपका स्किन कलर बन जाएगा। और ब्राउन कलर से रुद्राक्षी माला भी मैंने बना दी उनके हाथों में दोनों के, और रेड कलर से उनके ऑरेंज कलर की जो उनके वस्त्र थे उसमें बीच में एक गमछा बांध दिया ताकि एक अलग सा लगे उनके नीचे के एरिया में और ऊपर के एरिया में। और येलो कलर से उनकी साड़ी में भी हमने बॉर्डर बना दिया और नीचे रेड कलर कर दिया, और ऊपर फ्लावर्स में मैंने पर्पल कलर की जगह येलो कलर का डॉट बनाया पर्पल वाले फूल में और पिंक वाले फूल में, और रेड कलर वाले में रेड कलर से डॉट बनाया। और बाहर भी थोड़ा खाली लग रहा था तो हमने वाइट कलर के ऊपर ऑरेंज कलर की डॉट्स बना दी छोटी छोटी। अब मैं पूरे पेंटिंग को, पूरे राम जी और सीता जी की रंगोली को ब्लैक कलर से आउटलाइन कर रहा हूँ। हमने स्किन कलर उनके हाथों में, फेस में और नीचे उनके पैरों में बन कर दिया। अब पूरी जो भी राम जी की हल्की हल्की चीजें थी, सीता जी की हर चीज को एक मतलब क्लियर डिफाइन करने के लिए हम ब्लैक कलर से उसको आउटलाइन कर रहे हैं ताकि सेपरेशन दिख सके और प्रॉपरली डिफाइन हो सके हर चीज। नीचे पत्थर के लिए भी मैंने ब्राउन कलर बना दिया है, ब्राउन कलर से मैंने नीचे पत्थर बना दिया। अब ये बहुत ट्रिकी पार्ट है गाइज, आईज बन जाना अच्छी तरीके से, ये बहुत ट्रिकी पार्ट है। तो ये भी हमने बना दी आईज और फेस, और बिंदी लगा दी रेड कलर से, और उनके राम जी के में टीका लगा दिया रेड कलर से। पूरी ऊपर की पेंटिंग हमारी बनके तैयार है, बस हल्की सी थोड़ा उनके बालों में हम वाइट कलर से डॉट्स बनाएंगे और एक फूल बनाएंगे सीता माता के बालों में। नीचे हम बना रहे हैं राम मंदिर गाइज, हल्की सी ड्राइंग बना रहे हैं राम मंदिर की। पहले बनाया मैंने रेड कलर से धनुष और उसके ऊपर येलो कलर से राम मंदिर, जिसके ऊपर तीन लाल कलर के भगवा कलर के झंडे लहरा रहे हैं, और नीचे हम लिखेंगे जय श्री राम। तो गाइस आपने 22 जनवरी को कैसे सेलिब्रेट किया आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपने दिवाली कैसे मनाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप इसको बनाइएगा ज़रूर, आपको लग रही होगी कि ये टफ है बनाना, पर आप बनाएंगे तो ये बन जाएगी, आप कोशिश ज़रूर कीजिएगा बनाने। तो गाइस ऊपर भी हमने बना दिया है फूल सीता माता के बालों में, और अब हम बना रहे हैं पत्थर जिस पे बैठे हुए हैं उसके आसपास तीन छोटे छोटे फूल, तीन चार फूल और लीव्स। फूल मैंने बनाए हैं येलो वाइट और रेड कलर से, येलो कलर की आप चार डॉट्स लगा लीजिएगा, वाइट कलर के चार डॉट्स, और बीच में आप एक कलर
डाल दिया है। इसमें मैंने येलो के साथ रेड कलर किया है, रेड के साथ वाइट और वाइट के साथ रेड, और ग्रीन कलर से लीव्स बना दी हैं हल्की हल्की ट्रीज के आसपास, और जो पत्थर है उसके बीच में भी मैंने फ्लावर्स बना दिए हैं। इसी के साथ ये गाइस, नीचे हमने राम मंदिर बना दिया, ऊपर हमने राम जी और सीता जी बना दिए, और ये हमारा बस फिनिशिंग टचअप दे रहा हूँ मैं। और अब हम लगाएंगे दिए उसके आसपास। दिए लगाने के बाद हमारी रंगोली बनके तैयार है। बोलिए जय श्री राम। तो गाइस, हमारी रंगोली बनके तैयार है। रंगोली आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अगर इस रंगोली को किसी भी त्यौहार पे बना रहे हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पेज वाइगी क्रिएशन शेयर जरूर कीजिएगा, मैं उसे अपनी स्टोरी पे रिपोस्ट करूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल पे नई हुई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले हफ्ते किसी नई पेंटिंग के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गाइस, बस जय श्री राम।